हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स के हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के कट ऑफ मार्क्स के बारे में। दोस्तों आप तो जानते हैं एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया है, उसका आंसर की नेट पे आ गया है। तो अब बात आती है मेरिट की, जो कट ऑफ जाता है एसएससी सीएचएसएल का, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा 2016-17 के एग्ज़ाम का, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल हर साल ये एग्ज़ाम एसएससी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन एलडीसी और डीईओ के पद भरे जाते हैं। तो 2016-17 में जो टोटल वैकेंसी थी वो एलडीसी और डीईओ को मिला के टोटल जो वैकेंसी थी वो 5133 पद थे, वो भरे जाने हैं इस एग्ज़ाम से। और एग्ज़ाम हो गया है और उसका आंसर क्यों होता है वो भी नेट पे आ गया है। आप नेट से आंसर की लेके मिलान कर सकते हैं कि हम मेरिट में हैं कि नहीं। तो जो कैंडिडेट एसएससी फर्स्ट टायर के एग्ज़ाम, मतलब जो सीएचएसएल का फर्स्ट एग्ज़ाम था, उसके मेरिट को क्वालिफाई कर पाएगा, वही नेक्स्ट टायर के लिए अवेलेबल होगा, वही नेक्स्ट लेवल में आगे जाएगा। तो दोस्तों चलिए मेरिट की बात करते हैं, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है एसएससी सीएचएसएल की। दोस्तों मैंने पहले ही एक फ्लो चार्ट तैयार कर लिया था आपके लिए, जो जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी सीएचएसएल कट ऑफ मार्क्स जो एक्सपेक्टेड है। ये कोई है नहीं, लेकिन इतना ही रहेगा कि एक्सपेक्टेड रहने वाला है, मतलब ये इतना ही आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना है। इससे कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ। पहले आप ऑफिशियल कट ऑफ बता दीजिए, 2015 का जो एलडीसी का था ये मैं आपको बता देता हूँ पहले, तब बाद में इसको देखते हैं, ठीक है। जो ऑफिशियल कट ऑफ था 2015 एलडीसी एग्जाम का, एलडीसी और डीईओ एग्जाम का, वो जनरल का गया था 119 नंबर, 200 में 119 नंबर जनरल का गया था। जनरल मतलब क्वालिफाई करने के लिए आपको टायरन एग्जाम का 119 नंबर लाने हैं, तो लाने हैं तो लाने हैं। ओबीसी का वहीं, ओबीसी का 110 नंबर गया था, 9 नंबर का डिफरेंस था। एससी कैटेगरी का 99, यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। एसटी कैटेगरी वहीं 89 गया था, और एक्स सर्विसमैन जिन उनका 46 गया था। ये है 2015 की बात। अगर जो हम 2015 से कंपेयर करके 2016-17 के एग्ज़ाम की ही बात करते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला। जो हर साल यही होता है कि कट ऑफ कम होने वाला नहीं है, बढ़ जाता है। तो उसी के हिसाब से मैंने ये कट ऑफ तैयार किया है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता देता हूँ एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के, एलडीसी और डीईओ के बारे में, जो 2017 में जो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, जो जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एलडीसी डीईओ के लिए, सीएचएसएल के लिए, वो 123 से 128 के बीच में रहने वाला है। तो दोस्तों अगर जो आप जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपको एसएससी सीएचएसएल क्वालिफाई करना है, तो आपको 123 से 128 नंबर, मतलब 123 से ऊपर जाना ही जाना है, तभी आप टायर वन को क्वालिफाई कर पाएंगे। आते हैं ओबीसी पे, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 117 से 122 जा सकता है। वहीं एससी की बात करें तो 102 से 107 जा सकता है, और एसटी की बात करें 95 से 99 जा सकता है, और एक्स सर्विसमैन की बात करें 46 से 50 मार्क के बीच में रहने वाला है। तो दोस्तों यही होता है, हर साल यही होता है कि कट ऑफ हर साल साल दर साल बढ़ता चला जाता है, इसमें कमी आने वाली नहीं। तो इसी तरीके से मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार करें। दोस्तों अगर जो आप एसएससी सीएचएसएल के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो पहले आप क्या कीजिए, आंसर की आप नेट से निकालिए और उसको मिलान कीजिए कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं कि नहीं, कि हम अपने कट ऑफ तक पहुँच रहे हैं कि नहीं। दोस्तों अगर जो आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पाते हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल का एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा, अगर जो कोई दोस्त आपका फ्रेंड्स एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया, तो उसे ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर जो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और एनी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए। अगर जो दोस्तों अभी मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएससी सीएचएसएल रिजल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।